हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रक्चर पॉइंटर्स की बात करेंगे। जैसे हमारे इंटीजर पॉइंटर्स होते हैं, करैक्टर पॉइंटर्स होते हैं, फ्लोट पॉइंटर्स होते हैं, उसी तरह आपके स्ट्रक्चर पॉइंटर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या करेंगे, आपके एक स्ट्रक्चर को पॉइंट करेंगे, यानी कि आपके स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा क्या एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हमने स्टूडेंट टाइप का, जिसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, नेम और उसके मार्क्स। फिर हमने स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ST1, जिसको हमने इनिशियलाइज किया है रमेश और मार्क्स में दिया है 73। अब अगर हमें स्ट्रक्चर टाइप का कोई पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो हमें क्या देना होता है पॉइंटर डिक्लेयर करते वक्त, डेटा टाइप स्टार और पॉइंटर का नेम। तो हमारा डेटा टाइप किस टाइप का होगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हमारे स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप होगा। उसके बाद हमने दिया स्टार और फिर हमारे पॉइंटर का नेम, स्टार PTR, मतलब PTR इज ए स्ट्रक्चर पॉइंटर, जो किसको पॉइंट कर रहा है, एक स्ट्रक्चर को। उसके अंदर हमने क्या दिया, एड्रेस ऑफ ST1, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस दे दिया। नाउ अब हम जब नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, जैसे ST1 हमने नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो हम किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते थे, डॉट ऑपरेटर से, जैसे ST1.marks। लेकिन पॉइंटर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, इस ऑपरेटर को एरो ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर हमें ST1 के नेम्स और मार्क्स को एक्सेस करना हो ST1 वेरिएबल के थ्रू और पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे, हम ST1 के साथ यूज़ करेंगे डॉट ऑपरेटर का, ST1.marks। और अगर हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करें तो हम किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एरो ऑपरेटर का, PTR एरो ऑपरेटर नेम। इसी तरह अगर मार्क्स को रेफर करना हो तो हम क्या करेंगे, ST1.marks, और PTR के थ्रू एक्सेस करना हो तो PTR एरो ऑपरेटर मार्क्स। सेम चीज़ आप printf फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, आप नेम को ST1.name से प्रिंट करा सकते हो या PTR एरो ऑपरेटर नेम, और मार्क्स को ST1.marks या फिर PTR एरो ऑपरेटर और मार्क्स। तो बेसिकली PTR आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है, किसको पॉइंट कर रहे हैं, ST1 को। तो जब हमने स्टूडेंट टाइप का एक ST1 वेरिएबल डिक्लेयर किया तो क्या हुआ होगा, मेमोरी में एक ब्लॉक अलोकेट हुआ होगा, जो किसके लिए अलोकेट हुआ है, आपके स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए, जिसके अंदर दो फील्ड होंगी, नेम और फिर मार्क्स। और इसका कोई स्टार्टिंग एड्रेस भी होगा जहाँ से आपका नेम स्टोर होना शुरू होगा, फिर उसके बाद मार्क्स स्टोर होगा। तो ये जो बेस एड्रेस है, ये एड्रेस हमने PTR में ले लिया है। जब हम एड्रेस ऑफ ST1 करते हैं तो ये बेस एड्रेस यानी कि स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग एड्रेस हमारे PTR में स्टोर हो गया। और फिर हमें अगर नेम और मार्क्स को एक्सेस करना है तो हम एरो ऑपरेटर की हेल्प से इनको एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, वही हमारा स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, फिर एक ST1 वेरिएबल बनाया, एक PTR बनाया, स्ट्रक्चर पॉइंटर जिसके अंदर हमने ST1 का एड्रेस स्टोर किया है, फिर हमने ST1 की हेल्प से नेम और मार्क्स को प्रिंट कराया और PTR की हेल्प से नेम और मार्क्स को प्रिंट कराया। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मेरे ST1.name से क्या प्रिंट हुआ, रमेश, और मार्क्स में 73। से मेरा PTR के थ्रू भी प्रिंट हुआ, लेकिन PTR के साथ मुझे क्या यूज़ करना पड़ा, एरो ऑपरेटर का। तो जब भी आप पॉइंटर यूज़ करेंगे आपको एरो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, और जब भी एक नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करेंगे आपको डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। नाउ हम स्ट्रक्चर पॉइंटर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वी कैन हैव स्ट्रक्चर पॉइंटर एज एलिमेंट, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी हम एक इसी टाइप का पॉइंटर ले सकते हैं, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार नेक्स्ट। हमने क्या किया, जो टाइप हम डिफाइन कर रहे थे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसी टाइप का एक पॉइंटर ले लिया जिसमें हम इसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। जो ये फैसिलिटी है कि स्ट्रक्चर के अंदर उसका एक पॉइंटर डिक्लेयर करने की, ये आपका बेसिस बनता है लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का। जब हम लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आप स्ट्रक्चर के अंदर उसका पॉइंटर ले सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर आप उसका वेरिएबल नहीं ले सकते, एक नॉर्मल वेरिएबल आप नहीं ले सकते। पॉइंटर अलाउड है लेकिन नॉर्मल वेरिएबल अलाउड नहीं है। इसका रीज़न ये है कि पॉइंटर का साइज आपका फिक्स होता है, जैसे 64-bit सिस्टम है तो 8 बाइट्स, 32-bit सिस्टम है तो 4 बाइट्स, तो पॉइंटर का साइज आपका फिक्स होता है। तो जब भी उसे साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से स्ट्रक्चर का साइज निकालना होगा, ये इजीली फाइंड आउट कर पाएगा। जैसे इसके लिए कितना लगेगा, 10+1=11, फिर मार्क्स के लिए कितना लगेगा आपका 4 बाइट्स, फिर पॉइंटर के लिए कितना लगेगा 8 बाइट्स, तो इस स्ट्रक्चर का हम साइज निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो अभी इसे साइज नहीं पता कि इसका साइज मुझे कितना लेना है, जैसे केवल इतना लूँ नेम और मार्क्स का साइज लूँ, फिर इसका साइज कितना है, मैं इसका साइज कितना लूँ, तो क्योंकि मुझे अभी इसका साइज नहीं पता, इसका साइज फिक्स नहीं है, इसीलिए अंदर एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करना अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि पॉइंटर का साइज फिक्स होता है और आप साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से पूरे स्ट्रक्चर का साइज फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए आप पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। इस चीज़ को भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा वही स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, इसके अंदर हमने एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर भी ले लिया है नेक्स्ट।
फिर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया एस टी वन एस टी टू, इनको इनिशियलाइज किया कुछ वैल्यूज से। फिर हमने क्या किया है, एस टी वन का जो नेक्स्ट था, एस टी वन के अंदर नेम फील्ड थी, मार्क्स फील्ड थी और एक नेक्स्ट फील्ड थी, नेक्स्ट फील्ड में हमने एस टी टू का एड्रेस दे दिया। बेसिकली क्या हो रहा है, आपका एस टी वन के लिए एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होगा, एक ब्लॉक आपका एस टी टू के लिए अलोकेट होगा, दोनों का कुछ बेस एड्रेस होगा, राइट। इसके अंदर आपकी क्या फील्ड होगी, नेम फील्ड होगी, मार्क्स फील्ड होगी और तीसरी फील्ड आपकी नेक्स्ट होगी, राइट। तो हमने नेम और मार्क्स तो इनिशियलाइज कर दिया और नेक्स्ट में हमने क्या दे दिया, ये एस टी टू का जो बेस एड्रेस है, एस टी टू का जो बेस एड्रेस है ये हमने नेक्स्ट में फिल कर दिया। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट में इसका बेस एड्रेस आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर ऑपरेटर की हेल्प से इसकी फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी क्या क्या फील्ड है, नेम फील्ड है, मार्क्स फील्ड है और एक नेक्स्ट फील्ड है। तो हम इस नेक्स्ट की हेल्प से एस टी टू की फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने वही किया है, हमने एस टी टू की फील्ड्स को कैसे एक्सेस किया है, एक तो जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल था एस टी टू उसकी हेल्प से और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, एस टी टू डॉट नेम और एस टी टू डॉट मार्क्स, हमने डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इसको एक्सेस किया है। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, एस टी वन जो हमारा वेरिएबल था इसकी नेक्स्ट फील्ड की हेल्प से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो सेकेंड हमने वही किया, एस टी वन डॉट नेक्स्ट, यहाँ पर डॉट ऑपरेटर क्यों आया, क्योंकि आपका एस टी वन क्या था, एक नॉर्मल वेरिएबल था, इसलिए डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आपने उसकी नेक्स्ट फील्ड को एक्सेस किया। लेकिन नेक्स्ट क्या था आपका, एक पॉइंटर टाइप था, तो इसकी फील्ड को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, एरो ऑपरेटर का यूज़। तो हमने एस टी वन डॉट नेक्स्ट जब किया तो इसके अंदर हमारा क्या आ गया, बेस एड्रेस, हमारे एस टी टू जहाँ भी स्टोर था उसका बेस एड्रेस आ गया। फिर हमने एरो ऑपरेटर की हेल्प से उसके नेम और उसके मार्क्स को एक्सेस किया, एस टी वन डॉट नेक्स्ट एरो नेम, एस टी वन डॉट नेक्स्ट एरो मार्क्स। इसको अभी रन करके देखते हैं। तो जब हमने रन किया तो एस टी टू डॉट नेम में क्या आया, सुरेश, और जब एस टी वन डॉट नेक्स्ट एरो नेम में भी क्या आया, सुरेश। इसी तरह मार्क्स में भी 85 और 85। तो इस तरह से हम इन फील्ड्स को नॉर्मल वेरिएबल या फिर पॉइंटर की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि हम पॉइंटर तो अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल वेरिएबल अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो हम वो भी देख लेते हैं। हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको कंपाइल करके देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट डिक्लेयर किया है जिसकी तीन फील्ड्स हैं, नेम, मार्क्स और एक स्टूडेंट टाइप का नॉर्मल वेरिएबल, ये डिक्लेयर किया है। तो जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो यहाँ पर एरर दे देगा। कंपाइल करने पर इसने क्या एरर दे दिया, फील्ड नेक्स्ट हैज इनकम्प्लीट टाइप, कि आप स्ट्रक्चर के अंदर उसी का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका मुझे साइज कितना अलोकेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अगर एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर कॉपी करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।